हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने डॉग को पारो वायरस से बचा सकते हैं। मेरा ब्रदर भी आया इसे घुमाने, क्यों मैं वीडियो शूट करनी थी इसलिए। तो गाइस, आगे हम इस वीडियो में बताते हैं कि आप किस तरह से अपने डॉग को पारो वायरस वगैरह जैसे खतरनाक वायरस से बचा सकते हैं, क्योंकि अब पारो वायरस बहुत फैलेगा इस सीज़न में। पारो वायरस बहुत फैलता, क्योंकि नैन्सी को भी इस सीज़न में पारो वायरस हुआ था। आपको अगर पता नहीं है तो बता दूँ, नैन्सी भी पारो वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से निकल के आई है, इसलिए उसका थोड़ा डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर रहता है। फिर आगे हम बताएंगे पारो वायरस से कैसे आप अपने डॉग को बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको, जब भी आप अपना डॉग लाएँ तो आपको उसको 45 डेज का होने के बाद ही लाना है, या तो 2 मंथ का होने के बाद, वरना उसको पारो वायरस होने का ज़्यादा खतरा होता है अगर छोटा डॉग लाते हैं। तो गाइस, अगर आप उसे 45 डेज का घर पर ले आएंगे तो उसे पारो वायरस होने का बहुत ज़्यादा खतरा आता है, कि उसे कोई वैक्सीन लगी नहीं होती है जैसे रेबीज़ वगैरह की, जिससे, और कुछ एंटी वैक्सीन होती है जो उसके उससे बचाते हैं हमें पारो वायरस से डॉग को। तो हमें जब भी डॉग लें तो 2 मंथ का जरूर होना चाहिए, या 1 मंथ का, 45 डेज से आपको एमपी होनी चाहिए, तभी आपका डॉग को पारो वायरस होने का खतरा कम होता है। और जो रॉटवीलर और डोबरमैन 2 ब्रीड होती हैं, वो जो 2 ब्रीड हैं उनमें पारो वायरस होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि नैन्सी को पारो वायरस हुआ था बचपन में, हम उसकी वजह से नहीं होता, इसको थोड़ा नमक वगैरह हमने दे दिया था ज़्यादा, इसकी वजह से पारो वायरस नैन्सी को जल्द हो गया था, और नैन्सी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। नैन्सी को भी पारो वायरस बहुत खतरनाक वाला रखा है, नैन्सी भी बिल्कुल एंड डेथ पॉइंट से वापस आई थी। नैन्सी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, ड्रिप लगवाई थी, और नैन्सी को कोई खाना नहीं खा पाता पारो वायरस में डॉग, और ना वो कुछ खा पी पाता है, और ना बस स्टूल पास करता है बहुत ज़्यादा पतली पतली, और ब्लड निकलता स्टूल्स में उसकी। तो यार, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर आपके बाई चांस हो जाती है तो डॉग के बचने के बहुत 99% चांस नहीं होते, 50% भी चांस होते हैं, 50-50। नैन्सी की भी 50-50 चांस बोल रखे थे, पर नैन्सी होगी ठीक, हमने अच्छे डॉक्टर दिखाया था सर। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसे कभी भी लगे कि आपका डॉग खाना छोड़ रहा है, तो गाइस आपका डॉग पारो वायरस में कभी कुछ नहीं खाता, जिससे आपके डॉग का वेट बिल्कुल गिर जाता है, और वो बिल्कुल पतला हो जाता है सूख के। नैन्सी भी होगी, तभी नैन्सी ग्रोथ रुक गई थी बहुत ज़्यादा। नैन्सी की हाइट भी जितनी रोटू लेके होती है उतनी नहीं हो पाई, इसी बहुत ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो गाइस, अगर आपको अपने डॉग को पारो वायरस से बचाना है, तो अपने डॉग को पहले से ही, जब भी आप डॉग को लाएं तो वैक्सीन लगा के रखें, और उसकी डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करें, और उसे कुछ ऐसे गंदे मंदे खाने के, नमक, खासकर नमक और मीठा ज़्यादा खाने को दें ही ना। कई लोग होते हैं, जैसे हमसे गलती हो गई थी, गलती से वो कुछ नमक खा लेते हैं, उसके वजह से हुआ था ये। तो नैन्सी आओ। तो गाइस, अगर आपको भी ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो गाइस, जो मैंने आपको पारो वायरस से रिलेटेड पॉइंट बताए हैं, उन पॉइंट को ध्यान में रखना, ताकि आपके डॉग को अभी इस खतरनाक बीमारी से जूझना ना पड़े, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा डॉग के लिए जानने वाली बीमारी होती है। तो गाइस, आज की वीडियो नहीं देखती, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारी और भी अच्छी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।